छोटा सा डॉगी गोलू ने डॉगी पाला हुआ है। सामने देख सकते हैं आप, ये है टेंजिन हॉस्पिटल ना, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, तो काफी अच्छा व्यू है यहाँ से देखने में, देख सकते हैं आप। मेरा प्यारा जैसा पोता है। लाइट करना पंताघाटी पे सुविधा नहीं था, तो ये रहा हमारा। सबसे पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पूजा दीदम राज ब्लॉग पे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:30 बजे से, और मिले दीदम से। और पानी ना दोनों चेंज हो गया, मेरे को ना जुकाम खांसी बुखार हो गया है, तो सुबह ही हम दवाई लेकर आ गए हैं। तो ना अभी मम्मी पापा जी ना काम पे गए हैं, तो मैं ना दिन का लंच बना रही हूँ, तो लंच पे चावल बन गया है, सब्जी भी बन गया है, तो रोटी बनाना है। तो जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं ना, इस जगह का नाम जो है पंताघाटी है, और शिमला में पड़ता है ये जगह ना। और यहाँ पर ना मम्मी पापा ने मतलब कमरा बनाया हुआ है काम करने, जब तक यहाँ काम करेंगे ना तब तक यहाँ पे रहेंगे। जो मेन कमरा है मम्मी पापा का ना, वो कहीं और है, मतलब दूसरी जगह पे भराड़ी पे, तो वहाँ जाएंगे हम लोग शाम को जाएंगे ना। हाँ, शाम के टाइम भी जाएंगे ना। मम्मी बोल रहे थे ना यहाँ पे रहने को ना तुम लोगों को भी दिक्कत होगा, तो चले जाओ बोल रहे थे ना, तो हमने बोला क्योंकि लंच साथ पे करेंगे तब जाएंगे। मम्मी पापा सुबह 8 बजे काम पे चले गए थे ना, तो मैंने खाना बनाया। जैसे ही हम लोग सीजन पे पार बगीचे रहने जाते हैं ना काम के लिए, वैसे ही मम्मी पापा का भी यहाँ पे बहुत लंबा काम है, इसलिए मम्मी पापा ना थोड़ा बहुत सामान लेकर यहाँ पे आए हैं। हाँ जी, तो फिर उसके बाद ना हम मम्मी पापा जी से ना हमारी शाम को बात हुई थी कि मार्च तक ही करना, फिर उसके बाद ना मम्मी पापा बुजुर्ग भी हो गए ना, तो अपने साथ ही ऊपर ले जाएंगे काजा। तो ना आप सभी को ना हस्बैंड जी ना यहाँ बाहर का व्यू भी दिखाएंगे, और सामने ही मम्मी पापा जी का काम चला हुआ है, साथ में बहुत सारे है, तो जाओ आप दिखाओ ना, मैं रोटी बनाती हूँ। ये छोटे कुत्ते को दिखा दे तो, और यहाँ पर ये छोटा सा डॉगी गोलू डॉगी पाला हुआ है, बहुत ही तेज है, काटने को पड़ता है, इतना छोटा है, बहुत तेज है। और ये सामने देख सकते हैं आप, ये है टेंजिन हॉस्पिटल ना, काफी बड़ा हॉस्पिटल है ये टेंजिन हॉस्पिटल पंताघाटी। और सामने क्लिनी है, ये सामने बाजार है जो पार्क क्लिनी है, और पार्क को देख सकते हैं आप, तारा देवी वगैरह और मॉल शिमला वगैरह पार्क की साइड है उस तरफ है, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से देखने में, देख सकते हैं आप। और मम्मी पापा का काम ना यहाँ पर चला हुआ है, यहाँ पर जो है कंपनी की बिल्डिंग बन रही है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग, तो यहाँ सामने लगे हुए मम्मी पापा काम पे। अच्छा अभी आया ना, रुक, तो यहाँ सामने लगे हुए मम्मी पापा काम पे, तो काफ़ी लंबा काम है, इसलिए मम्मी पापा वगैरह जो है यहाँ पर रहने के लिए आए हैं कुछ दिनों के लिए। तो शिमला जो है आपको हम अच्छे से दिखाएंगे, दो चार दिनों, मतलब दो चार दिन तक अच्छे से घूमेंगे यहाँ पर, और आपको भी घुमाएंगे अच्छे से दिखाएंगे शिमला बाजार। मम्मी पापा जी रहते हैं यहाँ पे ना, ऐसे ही मतलब ना टीन का घर जैसे बनाते ना, काफी लेबर वाले हैं, काफी मजदूरी वाले जो यहाँ पे रह रहे, तो मम्मी लोगों के साथ बातचीत के लिए भी हो गए हैं ना साथ ही, नहीं तो मम्मी पापा को अकेले भी अच्छा नहीं लगना था। हम तो मना करते ना मम्मी पापा को रहने, तो इतने मतलब हम तो तीन तीन बहू वगैरह ना ऊपर, चलो मानती नहीं, बोलते ना जब तक हमारा हाथ पैर चलेगा ना तब तक हम खुद कर लेंगे, तो अच्छा नहीं लगता है हमें भी, लेकिन ना बहुत ही जिद्दी है हमारे साथ जी। अभी मिलाऊंगी लंच में आप सभी से, तो ना खाना बना लेती हूँ फटाफट। तो ना लंच मतलब ना पूरे दिन के 1 बज गए, तो मम्मी जी और पापा जी भी आ गए ना लंच करने, तो मैंने सोचा लंच करने से पहले ना मम्मी जी से मिलाती हूँ। ये हमारी मम्मी जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते, प्रणाम जी। हम तो बहुत खुशी हो गए ये काम सोच के, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे बच्चे को भी आगे से आगे बढ़ाना। तो मम्मी जी ना फर्स्ट बार कैम लेके आ गए, फिर भी मम्मी जी ने इतना बोला ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो मम्मी जी को इतने अच्छे से हिंदी भी बोलने नहीं आता है ना, तो मम्मी को हमने शाम को बताया ना, तो मम्मी जी भी खुश है, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट ना हमारे ऊपर बनाए रखे। तो ना हम लंच करते हैं, और ना पापा जी बाहर है, तो हस्बैंड जी मिलाएंगे। तो हमारे पापा जी
मेरा प्यारा जैसा पोता है। नमस्ते। हमारा परिवार साथ होना चाहते हैं, हम सब खुशी देखना चाहते हैं। पापा जी शर्मा रहे हैं ना, पापा जी को जो भी हम काम करते हैं ना, तो इस चीज के बारे में ना कोई मतलब जानकारी नहीं है। पापा को किसको करना है तो ना अब हम लंच करते हैं तो रिद्धू ना अपने दादा और दादी को ना डांस सिखाएगा। चलो डांस बताएगा ना, रिद्धू डांस कर दे। खाना बोल रहा है वो, डांस कर दे, कर दे, कर दे, कर दे। तो तो ना हम पंता घाटी से ना कुफर पहुंच गए, तो हम ना वहाँ का और बाजार का वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि ना हमारे फोन पे बैटरी नहीं थी ना, और मम्मी जहाँ पे मम्मी रहते हैं ना वहाँ पे भी लाइट नहीं थी सुबह से। तो ना अभी हमने ना पावर बैंक खरीद के लाए हैं और पावर बैंक से ना थोड़ा सा चार्ज किया था रास्ते पे ये चेक करते समय। तो ये रहा पावर बैंक। लाइट करना पंता घाटी पे सुविधा नहीं था, तो ये रहा हमारा पावर बैंक। और मैंने जूस पीना देवा पंता घाटी से ना यहाँ पहुँचने के लिए काफी टाइम लगा हमें, और बीच में ना थोड़ा सा हमने कुछ सामान भी खरीदा था। और पहले ना हम अच्छे से पावर बैंक को ना चेक भी करते हैं और फोन ना चार्ज लगाते हैं ना, फिर मिलते हैं आप सभी से। अभी ना थोड़ा सा फोन जो है हमने पावर बैंक से चार्ज किया था ना, तो फोन चार्ज हो गया है। तो आप सभी को दिखाते हैं ना आज हमने थोड़ा सा शॉपिंग किया था, जो वीडियोस हम बाजार पे नहीं दिखा पाए ना मार्केट पे, तो क्या सामान का शॉपिंग किया था वो ना आप सभी को घर पे दिखाती हूँ। तो रिजू ने खोल दिया है। तो क्यों खोला आपने? तो हस्बैंड जी ने मेरे लिए ये वाला सूट खरीदा ना, आज मैं कल सिलाऊंगी यहीं पे। तो देखिए तो बताना ना जरूर से कमेंट बॉक्स पे कैसा है। तो पहली बार जो है इस कलर का सूट लिया है। तो इसके साथ ना ये वाला दुपट्टा है, तो काफी प्यारा है। तो फर्स्ट टाइम जो है डिफरेंट कलर का सूट लिया है मैंने, तो सिलूंगी ना। और ना मम्मी जी के लिए भी लिया है, तो ये ना सास जी के लिए। तो बताना ना आपने कौन सा सूट ज्यादा प्यारा है। तो आज ना मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब था ना, नॉन स्टॉप चले थे ना। फिर पापा जी के लिए ना कल करेंगे, कल भी हमने मार्केट जाना है। और रिदम के लिए रिद्धू का हुड, तो ये ना रिद्धू का हुड है। तो रिद्धू के लिए ना भी नहीं लेना था, रिद्धू का कपड़ा ना बस पे ही छूट गया। तो ये हस्बैंड जी के लिए ना मैं जैकेट लाई हूँ, ये हस्बैंड जी का है। और ना पावर बैंक तो मैंने आप सभी को दिखा दिया ना, तो बहुत खुश हूँ। फोन से और एक चीज यूट्यूब बना मतलब ना वीडियो बनाने के लिए हमें आसान हो गया, तो पावर बैंक पे हमने ले लिया आज। और ना ये रहा मैगी, हमारा शाम का खाना ना आज हम मैगी ही बनाएंगे। और ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और हस्बैंड जी का भी नहीं है ना, हस्बैंड जी को चक्कर आ रहा है। तो ना आज हम माफी चाहते हैं ना दिल से कि आप सभी को ना ज्यादा वीडियोस बनाकर नहीं दिखा पा रहे। कल या परसों ना हम आप सभी को ना यहाँ का शिमला का मार्केट दिखाएंगे, जब हमें टाइम लगेगा तो हम जाएंगे। जाना तो है ना, लेकिन पक्का कंफर्म नहीं है ना हम कल कहाँ जा रहे हैं। तो आज के वीडियो को ना यही खत्म करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो। बाय बाय।